Thank you.
रुक जाता हूँ, एक मिनट रुक जा। और जो दाल का दलाल, जो दाल की दलाली करता है, दाल को बेचता है, अपनी पूंजियों में, अपनी तिजोरियों में रखता है, वो देश भगत। सीधी बात, हमारे वचन मालूम हो यार कि डिग्री वोटर पे गए, कहीं भी कोई भी किसी ने भी कुछ बोलिया हो, कहीं खालिस्तान का नारा हो, वो देश द्रोही का हो, ये सारा आईटी शायद, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणा और पंजाब की दीवार टूटी है। हमने इसका काउंटर किया, हमने घोषणा की 8 तारीख को हम, क्योंकि हमारे किसानों को, हमारी माताओं को देशद्रोही बताया जाए। मां महिम के राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं, दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। कल 12 तारीख, परसों हम 12 तारीख को 750 आदमी छोटे छोटे में सभी बॉर्डरों से अंदर घुसे, सब गिरफ्तार हो गए। एक कीर्ति चक्कर, एक नहीं, अपने साथ में 200 सैनिकों को भी टिकरी बॉर्डर लेके आया कल। और कीर्ति चक्कर परमवीर चक्र के बाद में है, जो कीर्ति चक्र की एक लेने कही है। एक लेकिन जो बात है ना, कीर्ति चक्कर परमवीर चक्कर के बाद में ताऊ ने कह दी छोटा कर दे, नहीं ना कोई बात ना, मैं तुम्हारा ताऊ है, मेरा बाप है, पर ताऊ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे बड़ा पूरे देश में, आप इंग्लिश न्यूज पेपर उठा के देख लो किसी की, यहाँ पे न्यूज छपी है तो वह पूरे सैनिकों की छपी है। थोड़ा खुले हुई, थोड़ा आज का जो मिशन था वो पूरा हुआ है, उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप दिया गया, ज्ञापन में क्या क्या आपने दिया था और आगे की रणनीति भी बताइए आगे की। ज्ञापन यहाँ पहले संगठन और जो खापों की सरदारी बैठी थी, उन्होंने ज्ञापन तैयार करा रखा था। ज्ञापन हमने पूरे जिले का एक ही ज्ञापन दिया है, उसमें हमने अपने साइन कर दिया, हमारी मौजूदगी जो थी गुड़िया खाप की, हमने अपनी मौजूदगी उसके अंदर दर्ज करा दी है। ज्ञापन वो तैयार कर रखा था, हमारे इंतजार में बैठे थे, हमने अपना उनका सहयोग जो था वो साइन के माध्यम से अपना कर दिया है, अपना विरोध जो दर्ज कराना था वो कर दिया। और बाकी हमारी जो खाप की जो सरदारी, हमारे भाई जितने भी थे आए थे, जिस व्यवस्था से वो आप हमारे साथ थे, और आगे की जो रणनीति होगी वो जैसी रणनीति बनती जाएगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। किसान अब आपसे उम्मीद की किरण लगा के बैठे हैं, जो आज भारी हुजूम लेके आज आप आए हो, आवाज बने हो किसानों की, तो आपसे उम्मीदें बेहद बढ़ गई हैं। क्या उम्मीद, जो बड़ी हुई उम्मीदें हैं, क्या उनसे दबाव मान रहे हैं, बाकी क्या करेंगे सर? देखो, जिम्मेवारी होती है किसी के ऊपर भी तो थोड़ा सा दबाव होता है, पर बाकी हमारी क्या है, हमारी खाप की व्यवस्था ऐसी है कि सभी आदमी अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेके चलता है, और सभी अपने आप में जो है सरदार, मैं मानता हूँ सभी को, सभी सरदारी है, और वो सभी अपना मतलब मेरे को इतना ही वजन देते हैं जितने को मैं सहन कर लूं, मेरे साथ सही होगी, मेरे मजबूत कंधे करते हैं। और जी, आपने कहा था प्रधान जी, जन जन तक आप जाएंगे, आपका काफिला गांवों गांवों में जाएगा, तो उसकी रूपरेखा कब तक तैयार होगी, कैसे होगी? उसकी रूपरेखा आपको सुबह हम दे देंगे, पूरी जो व्यवस्था है उसकी सारी जो रूपरेखा है आपको सुबह सारी, हम जो है अपना प्रवक्ता के माध्यम से या हम अपने माध्यम से आपको सुबह पूरा सूचित कर देंगे कि हमारी कल से क्या कंटिन्यू, क्या मिशन चलेगा हमारा, तो उस बारे में भी हम विचार करेंगे सारे भाई बैठकर, अपना आपको जरूर देंगे, ठीक है ना? शुक्रिया, शुक्रिया।